तो अभी भी नहीं लेना है। अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। कितना बज गया? 3 बजने वाला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं तो आवाज ही नहीं निकल मैं नाक बन सके बुरी तरह से सर्दी हो रखा पूरा आवाज पाए हो रखा। आज क्या है? 22 तारीख है ना। आज धनतेरस है, सभी को हैप्पी धनतेरस। अभी गरम गरम पानी पी रही हूँ। अब थोड़ा झाड़ू लगा लिया जाए, मॉर्निंग रूटीन में आ जाया जाए। चलिए फ्रेंड्स, झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। चाय वाय अभी ये लोग सो ही रहे हैं, तो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। लेकिन आप लोगों से होंगी बातें। चाय पराठा, नाश्ता तो हो गया है, जा रहे करेला वाले, करेला करेले की भुजिया। ये दोनों गए बाहर, सर को कुछ सामान लेना था, गए हैं। देखिए कब तक आते हैं, टाइम भी हो गया इनके कॉलेज जाने का। अभी नहीं, 9 बजे जाते हैं, 8 बज रहा है। आज हम लोग भी घर जाने वाले हैं। अभी कंफर्म नहीं है, अगर इनके कॉलेज में छुट्टी जल्दी हो गई तो चल जाएंगे, अब छुट्टी जल्दी नहीं हुई तो शायद नहीं जा पाएंगे। मैं कुकर सीटी देगा, दो से दाग कम दिखते हैं सर, लेकिन दूर से गई वालों शायद मेरा इसीलिए रोशन धूप की रोशनी में जाती तो दिखता है, तो ज़्यादा ही दिखता। जब माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई करी थी, उसमें जो वीडियो बना था उसमें तो पूरा ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक साफ पता चला था, बड़ा बड़ा। दाल चढ़ाया आज हम लोगों ने, सोचा सुबह सुबह ही दाल चावल बना लेते हैं, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है अगर घर जाएंगे, और दिन भी बहुत छोटा करने लगा है। अभी खाना खा के जाते हैं तुरंत में 1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है, फिर खाने का भी मन नहीं होता है, काम भी नहीं हो पाता, फिर तुरंत खाना बनाओ। 5 बजे ही शाम होने वाली, जहाँ 6:30 बजे शाम होता था, 1.5 घंटे का अंतर आ गया। 5 बजे शाम होने लगा, धूप भी उतना अच्छा से नहीं निकलता, ठंड आ ही गई है। सुबह सुबह ठंड लगती है, शाम और रात में ठंड लगती है, शाम से स्टार्ट हो जाती है। चलो दाल चावल और करेले की भुजिया और 5-6 परवल भी है, ये भी बना लेते हैं। सोचिए आप लोगों से बातें करिए, आज धनतेरस भी है, अगर इनका छुट्टी नहीं रहा मतलब आज घर नहीं गए तो खरीदे तो मार्केट जाएंगे, तो कुछ अगर लेना होगा कुछ भी। क्या वी हैव अ नो मनी, बस हमारे पास पैसे नहीं है जो खरीद सके। 8 दिन इधर उधर घूमे, सब पैसे खर्च हो गए और सैलरी भी नहीं मिली है, तो क्या ही खरीदेंगे? कुछ नहीं तो झाड़ू तो जरूर खरीदेंगे, धनतेरस वाले दिन कुछ ना कुछ तो खरीदना ही चाहिए, सबको पता है। नहीं भी तो झाड़ू। चलिए, मेरा करेला कट गया है,
मैं करेला कैसे बनाती बताती हूँ। बहुत तरीका है, माँ तो बनाती है जैसे इसको बॉईल कर देती, बॉईल नहीं थोड़ा पानी में एक बार उबाल दे देती है, फिर निकाल देती है, फिर इसको भूज देती हूँ। मैं इसमें नमक दे देती हूँ, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ तो उसका कड़वापन निकल जाता। फिर इसको भूज दो कढ़ाई में, बनाने का कई सब अलग अलग, मैं इसी तरीके से थोड़ा नमक डाल के मिला के भूज देती हूँ आधा घंटा के लिए, 10-15 मिनट के लिए। या ऐसे भी ये वॉश किया हुआ इसको बना सकते हैं। दाल ऑलमोस्ट चला है, चलिए इसमें नमक मिला के रख देती हूँ इसको। जल्दी पहले आलू परवल की भुजिया बना लेती हूँ, फिर करेले की भुजिया, सब चीज़ की भुजिया बनती है, दाल चावल भुजिया, दाल भी बन गया, इसको खाली छोड़ देना है। दिवाली सफाई, थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे सफाई कर, खाना तो बन गया मेरा करेला। यहाँ रहते हैं मुंगेर में, यहाँ भी करना ही ना पड़ेगा, पता नहीं है आज हम लोग जाएंगे घर नहीं जाएंगे, कुछ तो पता नहीं। मुझे देख रहे हैं ऐसे करके, डोंट लुक इट मी। हरिद्वार से खरीद के ला वो टीका लगाने वाला है, तो फूल बनता है, बेचारे का लगता ही नहीं है सही से। दिखाई दिखाई दिखाई, हाँ बन गया, ऊपर का थोड़ा सा नहीं हल्का टूटा हुआ है। भिड़ जाते हैं सफाई में, हाय मेरे डब्बे। लेके आती हूँ टेप, ये लोग भी कॉलेज में लिखे, ये लोग को थोड़ा बहुत इधर पोच का दिवाली में कितना काम होता है, नवरात्रि में सारा काम होता है।
दिवाली में वो सब सामान मिलता है जो हम लोग खो चुके होते हैं। राम मेरा फोन नहीं जा रहा बार बार। हम लोग तो अभी भी ये है ये सर्दी नवरात्र में ये सब साफ हुआ ही है, ज्यादा लिखा नहीं होता है। अभी दिवाली है तो थोड़ा साफ करना तो लगता है। कॉलेज चल जाएंगे आराम से अपना काम सब कर दूंगी। ये सब खत्म करके फिर आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, लंबा वीडियो चला जाएगा। अभी सारा काम हो गया फाइनली, थोड़ा बहुत साफ सफाई यहाँ भी कर लिए, उसमें लेट हो गया, नहा धोना सारा हो गया। जाती हूँ खाना खा लेती हूँ, खाना की बारी में तो खाना भी ठंडा हो गया। दाल चावल गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा नहीं। ना सर दर्द हो रहा है, राम राम। दाल चावल चोखा कभी ना होगा धोखा। नहीं बनाई हूँ दाल चावल आलू परवल की भुजिया और करेले की भुजिया, टू कप्स की भुजिया। चलिए थोड़ा खा लेती हूँ खाना, और खाती खाते पता है आपको कौन सा सीरियल देखती हूँ? बिग बॉस, बिग बॉस।
और बिगेस्ट फैन ऑफ बिग बॉस. बहुत देखती हूँ मैं बिग बॉस. अभी तो बिग बॉस 16 चल रहा है और मुझे बिग बॉस 16 में कौन सा कंटेस्टेंट पसंद है? एक्चुअली शिव. हाँ शिव मुझे बहुत अच्छा लगता है. अभी तो देखूँगी. कहाँ खाऊँ समझ नहीं आ रहा. यही खा लेती हूँ. दिवाली आती है कि सर इतना काम हो जाता है पूछने का नहीं. एक रात के त्यौहार के आदमी कब से तैयारी कर रहा होता है. आई फ्रेंड्स मेरे साथ खाइए खाना. खा के आप लोगों से बातें करती हूँ. फिर क्या करूँगी. शॉर्ट्स बनाऊँगी थोड़े बहुत. अगर हस्बैंड जी अभी आ गए तो हम लोग हो सके घर के लिए निकल जाए. आई होप आज ही. पानी में जो पैर था मतलब पानी हुआ तो और ज़्यादा खांसी बढ़ गया और ज़्यादा सर्दी भी बढ़ गया. पूरा पानी हो गया था किचन में. किच उस खाली पैर खड़ी थी उसकी वजह से और खांसी हो गया. चलिए तो मैं अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ. फिर मिलती हूँ. अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं. कितना बज गया. 3 बजने वाला. मिस्टर जी कुंडी उंडी लगा रहे हैं. उन लोग का वही नीला बैग तैयार है घर जाने के लिए. और मैं भी तैयार हूँ मेकअप करके. मेकअप नहीं है. दिवाली में हो गया सब कुछ. देखिए क्या क्या कर रहा. चश्मा लेंगे. ये क्या लिया. दिखाइए मुँह को. दिखाइए. ये ले लूँ ना. और कुछ नहीं. ताला लगा के आइएगा. आप लगाइएगा. चलो हम लोग रेडी हो गए निकलने के लिए. चप्पल उप्पल पहन लेती हूँ. अब आएंगे. देखिए कब. दिवाली के बाद कि छठ पूजा के बाद. पता नहीं कब आएंगे हम लोग मुंगेर. चलिए दुर्गापुर. पानी नहीं लिया. पीने वाला पानी. चलिए छोड़िए. अब खोलना पड़ेगा ये दरवाजा. फिर सब बैग को यहाँ रख देती हूँ. फोन में बैटरी भी नहीं है. यार घूमी घूमी कर लेते हैं. पैकिंग वैकिंग चप्पल पहन रहे हैं मिस्टर जी. यही अभी गर्मी होता. 3 बज रहा है ना. आदमी 6 भी बजता था तो निकलने का हिम्मत नहीं होता था. इतना धूप होता था गर्मी. अभी धूप है लेकिन मतलब हाँ ठंड में जैसी धूप होती है अच्छी लगती है वैसी धूप है. लग रहा है कि हाँ अब सांझ हो जाएगा. शाम हो जाएगी ऐसी धूप. हाय लाई खरीदर का ताला वो बोल के ना बंद. हाँ
रखा है डिक्की में, डिक्की से निकालने बैग बांधने के लिए। हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, और मैं घूम घूम के ब्लॉग बना रही हूँ, बेचारे काम कर रहे हैं। भगवान लीजिए, नेवी ब्लू वाला नया वाला। अरे सही तो है जी, रहने लीजिए बूट, घर जाइएगा बूट पहन के, जैसे कि पार्टी में जा रहे हैं। बूट पहनेंगे, मैं देखिए अपना, मेरा तो वही 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 एक ही सैंडल, एक ही यही कपड़ा और एक नेवी ब्लू, बस यही दो नई फ्रेंड्स, यही दो कपड़े डालती हूँ, बस कपड़े नहीं है ये, मेरे को लेके नहीं रहते। होंगी आपकी कोई चाहने वाली, है ना, है ना। स्टूडेंट में भी तो गर्ल्स आती है। भाकिंग कर करके मैं थक गई, थोड़ा आराम फरमा लेती। छह ताला वाला बाहर, मार्केट में आए थे मिठाई लेने, हम मिठाई लेके जा रहे हैं, मिस्टर जी हेलमेट पहन रहे हैं, घर को सीधा रवाना होंगे। ये मार्केट है पूरब सराय, पूरब मुंगेर का मार्केट। चलिए चल दिए हम लोग, धनतेरस का कितना भीड़ है मार्केट में, आगे तो और ज़्यादा। फाइनली अभी घर पहुँच गए। आओ आओ मिलिए इस बंदरिया से। जो सोम पापड़ी की भूखड़ है और हम लोग का मंदिर। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।